तो और घर वालों से अगर प्रोटीन के पैसे मांगने जाओ तो वहां से गालियां और लात घूंसे ही पड़ते थे हमें। क्या बनेगा बड़ा होकर, वो कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि गाइस देखो, कोई किसी का साथ नहीं देता, ये बात मैंने जब ही सीख ली थी जब मेरे को जिम के अंदर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं। सो गाइस मैं स्टार्टिंग से स्कूल डेज से मैं स्किनी बच्चों में रहा हूँ। सो मेरे 10th तक क्या था कि 10th तक तो मैं बेस्ती अपनी बर्दाश्त करता हुआ आया था, बट उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि 11th में तुम्हारे भाई ने ले ली साइंस। साइंस ले लिया और उसके बाद सारा गेम बदल गया। मतलब 10th तक तो बेइज्जती करते थे, उसके बाद तो घर वाले दुनिया उन्हें सब बोलने लगे क्या कर दिया तूने, साइंस ले ली, साइंस ब्रो साइंस। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि जब मेरे को 10th तक सारे बोलते थे मेरे दोस्त की लैंकी है, स्केलेटन है, हड्डी का ढांचा है, कुपोषण तक बोलते थे। सो मेरे को इनफैक्ट इतना फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि आज की जनरेशन काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो चुकी है। आजकल तो लोग ये कर देते हैं, बट उस टाइम पे हमारे नहीं होता था ऐसा। सो उस टाइम पे मेरे को काफी बुरा भी लगता था, बट उसके कुछ कर नहीं सकते थे। बेसिकली मतलब ये बोल सकते कि कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि मेरे पास कुछ हाथ में था नहीं। सो अब गाइज मैंने फिर क्या किया, मैंने 12th तक तो मैंने साइंस के बाद मैंने PCM ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी मेरे पास। फिर मैंने कॉलेज में ले ली, मैंने BTech इंजीनियरिंग फील्ड ले ली। सो आप लोगों को गाइज मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, तो आओ बैठ के डिस्कस करते हैं आगे की चीज डिस्कस करेंगे कि BTech के बाद क्या हुआ था ऐसा। सो गाइज अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना। सो उसके बाद चलते हैं सीधा कॉलेज की दुनिया में और दिखाते हैं आगे कि क्या हुआ हमारी कहानी के अंदर, मिलते हैं सीधा कॉलेज के। तो अब तुम्हारा भाई आ चुका है माया नगरी में, जो कि बोलते हो आप कॉलेज की दुनिया में। स्वागत है आप सभी का। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। कॉलेज के टाइम पे हुआ कुछ ऐसा कि फर्स्ट ईयर के अंदर जैसा कि हर किसी के साथ होता है, स्टार्टिंग के अंदर अट्रैक्शन हो जाती है लड़कियों से स्पेशली। सो तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ कि अट्रैक्शन हो गई एक लड़की के साथ। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि जिम भी कंटिन्यू करेंगे, बट जैसे कि आप सबको पता है कि लड़कियों के साथ अगर बंदा रह रहा है तो उसके बाद वो जिम क्या, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो पढ़ाई भी नहीं कर सकता, जिम भी नहीं कर सकता। सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 6 महीने तक जो हमारी सिचुएशन थी और जो सिनेरियो होता है वो काफ़ी अच्छा चला। फिर उसके बाद वो बंदी को मिल जाता है एक अच्छा लड़का जो कि होता है थोड़ा सा फिट और बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं होती उसकी, बट मेरे से काफ़ी बेहतर कंडीशन में होता है। सो कॉलेज के अंदर आप सबको पता है कि जो लड़कियों को होते हैं वो अट्रैक्ट करती है बॉडी बेसिकली, क्योंकि उस टाइम पे एज ही ऐसी होती है हर किसी की। सो वो मेरे को उस टाइम पे फिर से मतलब ऐसा मेरे को अंदर से फीलिंग आने लगती कि वो मेरे साथ नहीं रहना पसंद करना चाहती। सो वो मेरे को थोड़ा बहुत मतलब टीज़ करती है कि तू ऐसा है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला। सो उसके बाद देन आई डिसाइडेड कि अब मेरे को कुछ भी हो जाए, क्योंकि वहाँ से स्कूल तक तो सब चीज़ नॉर्मल थी, अब मेरे को बातें ज़्यादा हिट करने लगी थी क्योंकि अब गर्लफ्रेंड जो थी वो छूटती जा रही थी और बॉडी भी मेरा साथ छोड़ती जा रही थी क्योंकि तुम्हारा भाई कुपोषण की कैटेगरी में था। दिल टूटा था। अब वो तो मोस्टली वैसे टूटता रहता है लेकिन अभी पक्का हो चुका है। सो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं करूँगा जिम प्रॉपर तरीके से। सो स्टार्टिंग के अंदर जैसे कि 2018 के अंदर मैंने जिम ज्वाइन करी प्रॉपर तरीके से। सो उसके अंदर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब क्या करूँगा, अपनी मसल जो है वो बढ़ाऊँगा। मसल्स मेरे को बाद में समझ आया, बट उससे पहले मैंने सब ये बोलते थे कि वेट बढ़ा वेट बढ़ा, किसी ने नहीं बताया कि मसल बढ़ा, जो आज मेरे को पता चल पाया कि वेट मैटर नहीं करता, मसल्स मैटर करती है। सो उसके बाद मैंने क्या डिसाइड किया, मैं सारा जंक फूड्स खाने लग गया क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं थी। सो आप फोटो में देख सकते हो कि 77 kg का मैं हो गया था, जिसके अंदर फैट ऐसे पेट पे आ चुका था कि जिसके मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा हो जाऊंगा। सो उसके बाद होता है कुछ ऐसा कि मैं उसको सोचता हूँ कि अब इसको कट करूँ, मैं कट करने की कंडीशन पर आते ही हूँ, 10 kg अप्रॉक्सीमेटली मैं कट कर देता हूँ कैसे ना कैसे करके रो पीट के, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर नॉलेज भी नहीं थी और इतने पैसे भी नहीं थे और घर वालों से अगर प्रोटीन के पैसे मांगने जाओ तो वहाँ से गालियाँ और लात घूंसे ही पड़ते थे हमें। सो वो बोलते थे पढ़ाई लिखाई में ध्यान वान दो, IAS बनो। सो देन आई डिसाइडेड कि अब जो करना है वो खुद करना है और जो भी चीज़ है वो खुद ही एक्सपीरियंस करूँगा और जो जो गलतियाँ मैंने करी पहले उससे मैं सीखूँगा। सो मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने प्रॉपर तरीके से जिम ज्वाइन करी जो कि 500 रुपये फीस थी जिम की। सो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं करूँगा फैट लॉस प्रॉपर तरीके से। तो वहाँ पे फैट लॉस की जर्नी जैसी स्टार्ट हुई, थोड़ी सी मसल्स जो थी वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरे पे लग जाता है लॉकडाउन,
मेरे पे नहीं मतलब पूरे इंडिया पे हमारे मोदी जी हैं, जो उस टाइम पे लग जाता लॉकडाउन, दिल्ली में लॉकडाउन लागू हो गया है, यानी अब आज सुबह। और मेरी जो कंडीशन थी वो काफी अच्छी हो गई थी, मतलब उस टाइम पे मैं प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटिशन खेलने वाला था, नेचुरली 55 केजी हो गया था मेरा वेट उस टाइम पे, और मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन मेंस फिजिक वाला खेलने वाला था। बट उसके बाद हमारी मोदी जी ने हमारे को लगा दिया लॉकडाउन। उसके बाद होता है कुछ ऐसा कि मैंने दोबारा कोशिश करी कि मैं उसको दोबारा कंटिन्यू करूं, बट उसके बाद फिर सेकंड वेव आती है और उसके बाद दोबारा लॉकडाउन लग जाता है। फिर तीसरी जो वेव आती है उसके अंदर हम जुगाड़ लगा के जिम कंटिन्यू रखते हैं, और उसके बाद हमारी फैट लॉस की जो जर्नी है वो आप आज देख सकते हो कि फैट लॉस की जर्नी को हमने फैट टू फिट में कन्वर्ट कर दिए प्रॉपर तरीके से। सो आप देख सकते हो कि फैट जो है वो प्रॉपर तरीके से, आपको ये तो नहीं कह सकते कि प्रॉपर ही फैट मतलब कट गया, 0% है, 0% किसी के भी नहीं हो सकता। बट हाँ ये बोल सकते हो कि बिलो 10% बॉडी फैट आज की डेट में आपके भाई का है। सो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कितना परसेंट आपको लग रहा है कि कितना परसेंट बॉडी फैट आपके भाई की बॉडी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। सो अब बात करेंगे कि कुछ मेरे एक्सपीरियंस से कि जो मेरी गलती थी वो आपको नहीं करनी है। सो चलते हैं, स्विच करते हैं अपनी गलतियों पे, और जिससे आपको सीखना है कि मैं अभी अपना, अगर आप सोच रहे हो कि फैट लॉस करना चाहते हो तो आप लोग कैसे उसको कर सकते हो और कौन सी ऐसी गलती है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। सो गाइस बात करते हैं अपने बैड एक्सपीरियंस की जो कि मैंने फेस करे अपनी लाइफ के अंदर, जो कि फैट लॉस की जर्नी के अंदर बेसिकली बोल सकते हो। सो उसके अंदर हुआ क्या कि मैंने जो जंक फूड्स हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से अवॉइड करने हैं, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि गाइस देखो कोई किसी का साथ नहीं देता, ये बात मैंने जब ही सीख ली थी जब मेरे को जिम के अंदर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला, कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, मतलब इनफैक्ट आप ये बोलो कि मैंने घर वालों से प्रोटीन मांगने तक के पैसे ही मांगे थे, बट उन्होंने मना कर दिया था। सो मेरी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने मेरे को बोला था कि 4,000 रुपये मंथली मैं जिम की प्रोटीन की जो पैसे हैं वो दूंगी, उसके अंदर से मैं 2,500 रुपये बेसिकली जो है प्रॉपर तरीके से मसल बेस का प्रोटीन था वो मैं कैंटीन से ITBP की, मेरा दोस्त है उसके थ्रू मैं उठाता था कैंटीन से, और 500 रुपये जिम की फीस थी, कुछ पैसे बचा बचा के फिर मैं BCAA लेके आता था। सो उसके बाद मैंने ये सीखा कि गाइस कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता और कोई किसी का साथ नहीं देता। सो आपको इस चैनल पे तुम्हारा भाई प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेगा, और जो लोग भी क्वेरीज और क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो द मयंक मेथड पे, वहाँ पे मैं सबके डाउट और क्वेरीज सुनूंगा और सुनता हूँ और सुनता रहूँगा। सो अब बात करेंगे थर्ड और जो कि मेरी गलती थी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, कि आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस करते रहना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, और फैट लॉस की जर्नी में जैसे कि जो होता है रेपिटेशंस आपको ज़्यादा रखने हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते रहना है, और इसके अंदर जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसके अंदर जो रेपिटेशंस है वो कितने रखने हैं, जैसे कि आपको मतलब वेट कम यूज़ करना है और उसके ऊपर जैसे कि रेपिटेशंस हैं वो आपको ज़्यादा बढ़ा देने हैं, हर एक्सरसाइज के अंदर आपको यही सिनेरियो रखना है, वेट कम और रेपिटेशंस ज़्यादा, ये हमारी फैट लॉस की जर्नी। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो सो आपका फैट लॉस 101% होएगा, और इनफैक्ट आपको क्या करना है अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। मैंने जब स्टार्टिंग में प्रोटीन लिया था तो उसके अंदर मैं 2.5 स्कूप की वे प्रोटीन की यूज़ करता था, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन एथलीट हूँ, सो उसके अंदर मेरे को अंडा चिकन वगैरह मैं अवॉइड करता हूँ, सो उसके अंदर मेरे को प्रोटीन मस्ट होता है। सो इसलिए अगर आप प्रोटीन जा रहे हो शिफ्ट कर रहे हो, अगर आप भी वेजिटेरियन हो सो 2.5 स्कूप आप ले सकते हो दिन का, 1 स्कूप मॉर्निंग में और 1.5 स्कूप वर्कआउट के बाद, अगर आप बिगिनर्स हो तो 1 स्कूप से आपका काम हो जाएगा, जो कि वर्कआउट के बाद मेन होती है, मैंडेटरी होती है, वो आप कर सकते हो। सो दिस इज आर वीडियो रिगार्डिंग कि फैट लॉस की जर्नी मेरी कैसी थी जिसके अंदर मैंने 22 kg फैट को कट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हार्ड वर्क ब्रो।